बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हो सकता है आपको टीम इंडिया के सारे बड़े चेहरे खेलते नजर आएं सिवाय जसप्रीत बुमराह के। बुमराह के खेलने को लेकर अभी भी सस्पेंस है। हो सकता है कि बुमराह अभी 2 महीने टीम इंडिया से दूर ही दिखें। टीम इंडिया की बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज अगले महीने से शुरू होने वाली है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह इस सीरीज से वापसी कर सकते हैं तो हो सकता है कि आपका अंदाज़ा गलत हो। ऐसा इसीलिए क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम इंडिया के सेलेक्टर्स उन्हें अब बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज से भी आराम देने के मूड में हैं, और अगर ऐसा होता है तो फिर बुमराह अभी 2 महीने और टीम इंडिया से दूर रहेंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज 19 सितंबर से होना है। भारत दौरे पर बांग्लादेश 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी, जिसे लेकर खबर है कि बुमराह उसका हिस्सा नहीं होंगे। हालांकि अभी इसे लेकर कुछ भी आधिकारिक नहीं है, बस रिपोर्ट्स है कि घरेलू कंडीशन और शमी के कमबैक के चलते सेलेक्टर्स उन्हें नहीं खिलाने का फैसला कर सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय सेलेक्टर्स अभी बांग्लादेश के खिलाफ बुमराह के खेलने और नहीं खेलने को लेकर मंथन कर सकते हैं। ऐसा फैसला टीम इंडिया के आगे के शेड्यूल को देखकर किया जा सकता है। भारत को अगले 4 महीने में 10 टेस्ट खेलने हैं, जिनमें से 5 टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होंगे। ऐसे में सेलेक्टर्स बुमराह को लेकर एहतियात बरतते दिख रहे हैं। बुमराह को बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर रखने की एक वजह भारत की स्पिन फ्रेंडली पिच और मोहम्मद शमी की वापसी भी हो सकती है। शमी की वापसी से भारत के पेस अटैक में जो एक अनुभव की कमी होगी वो पूरी हो जाएगी। ऐसे में बुमराह को आराम दिया जा सकता है। अब सवाल है कि जसप्रीत बुमराह बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नहीं खेलेंगे तो फिर लौटेंगे कब? तो ऐसा न्यूजीलैंड के खिलाफ होता दिख सकता है। न्यूजीलैंड की टीम अक्टूबर में 3 टेस्ट की सीरीज खेलने के इरादे से भारत दौरे पर होगी। इस टेस्ट सीरीज की शुरुआत 16 अक्टूबर से होगी। जसप्रीत बुमराह इसी टेस्ट सीरीज से वापसी कर सकते हैं। अब बुमराह को देखिए, टीम इंडिया एकदम रिजर्व की तरह यूज़ कर रही है, एकदम आराम आराम से, क्योंकि जसप्रीत बुमराह को अगर कोई इंजरी होती है तो ये चीज़ टीम इंडिया बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि आगे जाकर भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टेस्ट मैच और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी और WTC फाइनल खेलना है। वहाँ पर जसप्रीत बुमराह का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और इसीलिए इस बारे में कोई भी कोताही नहीं बरत रही है BCCI, और इसीलिए बुमराह को बांग्लादेश सीरीज और दलीप ट्रॉफी से भी रेस्ट देने की बात चल रही है। और अगर ऐसा होता है तो बुमराह के पास अब एक बार फिर से 2 महीने और हैं, यानी कि सितंबर और अगस्त। इसके बाद जब अक्टूबर में मिड में जब न्यूजीलैंड टेस्ट मैच खेलने आएगी, वहाँ पर बुमराह आपको फिर से वापसी करते हुए देख सकते हैं, और उसके बाद फिर भारत को बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया से 5 टेस्ट मैच खेलने ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो वहाँ पर बुमराह की अवेलेबिलिटी और प्रेजेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो ऐसे में ये डिसीज़न बुमराह के और टीम इंडिया के पक्ष में हो सकता है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।